लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय कर मर। हम लोग अभी हनुमान मंदिर से निकल चुके हैं, अब हम दूसरे टेंपल में जा रहे हैं, रामलिंगा। और यहाँ पर हमने गुणित की गाड़ी पार्क की हुई है, आप देख सकते हैं इधर। अभी हम लोग मंदिर के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेकर पहुँचेंगे। टेंपल का नाम है रामलिंगेश्वरा टेंपल, रामलिंगेश्वरा टेंपल, रामनगर सुपा। रामलिंगेश्वरम देवस्थान पर पहुंच चुके हैं, ये है सुपा रामनगर पर। इधर है मारुति मंदिर, है ये देखो स्लाइड भी ठीक सामने। रामलिंगेश्वर देवस्थान सुपा रामनगर, सुपा रामनगर, ये देखो रामनगर, ये रामलिंगेश्वर मंदिर है रामनगर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लकड़ी का कार्विंग किया हुआ है सब जगह पर। और आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी हमको इस मंदिर के बारे में बताने के लिए हम इस गांव का वरिष्ठ आदमी मिला हुआ है, नाम है तुलसीदास माजगांवकर। ये हमको इस मंदिर के हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में बताने वाला है। अरे बोल, श्री क्षेत्र सुपाय से संगमा और स्वयंभू देवस्थान इनके स्वयंभू पंद्रह तार कितने बांधे हुए हैं अंते मोदी उत्कार भी तरह से पावसा जैसा सरल उत्ता ले जो वोडियो जो भक्त वोडियो नियों तेजर खुला सकता है ताटे का आणि हिमा दिसत आहे तिथले हुए दिसतात तो सुपा गाव अधिक नाही पेपर नाही ये सब गांव है और बीच में ये मंदिर है। वडलो रथ आशिल्लो तो आडपा मेळना वडलो सारको चाका बिका हे जाले जीर्ण जाले ताका लागून ताच्याने थंय सोडलो जाले हांगा मागीर दुसरो रथ बांदलो बरें बरें नरेंद्र पात्रांव।
बरे दिलेश बरे गुडीत कुणमय ए बाय बण बरे बाय बाय दिस कसो इतलो योगा बसा बरे थैंक यू बरा आता आम्ही अभी हम सुपा डैम के पास जा रहे हैं, उधर हम राफ्टिंग और बोटिंग करेंगे। चलो निकलते हैं। अभी हम सुपा डैम का एक रिजर्वायर है जहां से दिस प्लेस इज कॉल्ड एज सुपा डैम व्यू पॉइंट। यहां पे खड़े रहकर हम देख सकते हैं कि यहां पे सुपा डैम का पानी आया हुआ है और यहाँ से कम एक 7-8 किलोमीटर पे सुपा डैम है जो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। स्टार्टिंग एरिया पूरा उत्तर कन्नड़ा एरिया में। सकल जॉइन थर तो गाँव आशिता जॉइन उदक पतळत सकल तो डैम बनला आता डैम दिसतो तुका। कर्नाटक में सबसे बड़ा डैम है सुपा डैम है। हमारा मोजो पॉइंट सो गया है। टाइम बजा है 1:17 और अभी हम सुपा डैम पर जा रहे हैं। कर्नाटका इज बिगेस्ट डैम। बड़ा डैम है सुपा डैम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, हाइड्रो पावर। ये लगभग रामनगर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 40-45 चाहिए उधर पहुंचने के लिए रामनगर से। जो ये सुपा डैम है उधर पहले बहुत लोग रहते थे, उनको उधर से हटा के और उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करके उधर वो डैम बनाया है। बहुत सारी फैमिली रहती थी उधर पहले। सुपा डैम जो एरिया है उधर, बाद में उनको सब लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और उधर डैम बनाया। ये देखो सुपा डैम। हमने बहुत बार नाम सुना है सुपा डैम के बारे में, कभी देखा नहीं। वैसे तो सुपा डैम के अंदर किसी को जाने नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे नानू भाई है ना, उसके मैनेजर पहचान का था, इसलिए हमको चांस मिला है अंदर जाके देख के आने के लिए। मैनेजर उसका दोस्त है, इसीलिए हमको अंदर जाने को अलाउ किया उन्होंने, पर कैमरा अलाउ नहीं था अंदर उनके सिक्योरिटी के लिए। फिर हम अच्छे से देख के आए अंदर। बहुत ही अच्छा है डैम और बहुत बड़ा है डैम। कर्नाटका का सबसे बड़ा डैम है वो, जो हाइड्रो पावर
जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तब कोशिश करूँगा कि आपको बंदर का सब डैम दिखा सकूँ। एडवेंचरस प्लेस है इधर, बोटिंग, राफ्टिंग और स्विमिंग के लिए बहुत ही अच्छा लगा इस प्लेस को विजिट करके। अभी हम हमारे गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा बोटिंग करके। अभी हमने मस्त बोटिंग की और बहुत ही अच्छा लगा बोटिंग करके। अभी हम जा रहे हैं हमारे घर में, घर गोवा में। चलो अभी 5:10 हो चुके हैं और अभी हम राफ्टिंग करके और बोटिंग करके अभी बाहर आए हैं। अभी हम गोवा जाने के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छी रही ट्रिप हमारी, बहुत एंजॉय किया। अभी हम घर जाएंगे और हमने बहुत कुछ देखा यहाँ पे। हाँ, डैम देखा, बाद में बोटिंग किया और बहुत मजा आया। और गुणित को भी बहुत मजा आया। गुणित क्या कहता है बोलो? मैं फुटबॉल खेला, मैंने बहुत मजा किया। मैंने फुटबॉल खेला, फिर मॉन्स्टर ट्रक चलाई और स्विमिंग किया, राफ्टिंग किया और बोटिंग किया। बहुत मजा आया। अभी हम घर जा रहे हैं गोवा में, कोटंबी के पे गोवा में। बाय। अभी हम जा रहे हैं हमारे घर में
घर को गोवा में। चलो टिल देन टेक केयर।